भाजपा पार्टी जिंदाबाद। भाई अब संघर्ष करो, भाई अब संघर्ष करो, इसी कड़ी हम जाएंगे। नमस्कार, सहयोगी महेश के साथ में राजकुमार गौतम, आप देख रहे हैं सूरत सनोरी। आज हम उपस्थित हैं बस्ती जनपद में बड़े बन के पास शांति राज मैरिज हॉल में, जहां पर आजाद समाज पार्टी का बैठक चल रहा है। पिछड़ा, दलित और मुस्लिम जो है भाईचारा बैठक है, जहां पे सदस्यता ग्रहण भी करवाई जा रही है। यहाँ पे आए हैं प्रदेश के महासचिव जो है आकिब अंसारी जी, मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया है, और पार्टी के तमाम पदाधिकारी गण भी यहाँ मौजूद हैं। जो हाल में मीटिंग चल रहा है अभी, भाषण वगैरह सब सभी नेताएं दे रहे हैं। आइए हम जानते हैं महासचिव जी से, आकिब अंसारी से, कि क्या प्रयोजन है इस बैठक का और क्या इनकी रणनीतियां हैं पार्टी को लेकर। आज हम बस्ती जनपद के शांति राज मैरिज हॉल में उपस्थित है, यहाँ एक सम्मेलन चल रहा है। हमारे साथ हैं प्रदेश महामंत्री आकिब अंसारी जी। हम इनसे जानते हैं कि कार्यक्रम किस परिपेक्ष में है और क्या आजाद समाज पार्टी की नीतियां हैं, और सदस्यता ग्रहण का भी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है तो कितने पैमाने पर, किस स्तर पर चल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ये जो सम्मेलन है किस परिपेक्ष में? धन्यवाद। आज जो है ये जो सम्मेलन रखा गया था यहाँ पे, जिसमें कि दलित पिछड़े मुसलमान समाज से उचित भागीदारी के साथ उचित संख्या में यहाँ पे सब लोग उपस्थित थे, और आजाद समाज पार्टी के नीतियों को देखकर, भाई के संघर्षों को देखकर, आज यहाँ पे बहुत से जो है हमारे बहुजन समाज के साथी आज सदस्यता लिए हैं। ये मीटिंग, ये उद्देश्य यही है कि इस बहुजन समाज को शासक वर्ग में लाना है, क्योंकि उनके जो हक और अधिकार हैं सत्ता और शासन न रहने के कारण छिन रहे हैं। ये एक तरीके से जागरूकता अभियान भी है कि हाँ, लोगों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा की जाए। केवल बस्ती जनपद के ही यहाँ पे लोग प्रतिभाग कर रहे हैं या अन्य जनपदों के लोग? इसमें बस्ती की संख्या कुछ ज्यादा है, बाकी संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर बस्ती मंडल है, उसमें से जो कुछ नए साथियां हैं सब मंडल स्तर की ये बैठक है। मंडल स्तर आप लोग सदस्यता ग्रहण अभियान भी चला रहे हैं जी, तो क्या इन बैठकों के माध्यम से ये चलेगा या फिर जन जन तक ये अभियान चलेगा? ये हमारा सदस्यता अभियान जब तक अभी लोकसभा चुनाव था उसके बाद से ये आरंभ हुआ है। जगह जगह हमारी सेक्टर और बूथ की कमेटियां हैं, विधानसभा कमेटियां हैं, जिला कमेटी पदाधिकारी हैं, तो गांव गांव में जाके अलग अलग जगहों पे गांव गांव तक हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन जैसे कि राजनीति में, इस लोकतंत्र में ताकत भीड़ के रूप में भी कभी कभी दिखाने की आवश्यकता होती है, तो इसके सापेक्ष जितने लोग ज्वाइन हुए, जितने लोग और जुड़ रहे, तो एक सामूहिक मीटिंग रखी गई थी ताकि लोगों को ये संदेश दिया जा सके कि आजाद समाज पार्टी का श्रीराम बस्ती मंडल में भी एक अपना प्रभुत्व रखती है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उपचुनाव में भी आप लोगों की तैयारी कैसी है? नगीना में सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, वहाँ की महान जनता का मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही साथ उपचुनाव में जो यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इन उपचुनाव में हमारी कमेटियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, और सभी जगहों पे हमारी बूथ कमेटियां बन चुकी हैं। बस जहाँ जहाँ पे प्रत्याशी नहीं घोषित हुए हैं, वहाँ पे भी दो चार प्रत्याशी आने की वजह से उसमें चुनाव समिति उसका जल्दी जो है निस्तारण करके फैसला देगी। तो ये उम्मीद है कि हम लोग 10 सीटों पर काफी अच्छे वोटों के रूप में और जीत के रूप में हम लोग भागीदारी दिखाएंगे। एक सवाल और है, लोकसभा चुनाव के बाद आप लोगों ने समीक्षा बैठकें भी की होंगी जी, जो कमियां निकल के आई वो क्या है और इसको दूर आप लोग कैसे कर रहे हैं? देखिए, कोई भी नया दल होता है, नया दल को समय समय के साथ उसमें
चीजों को लोगों को बता के सिखा के अपने नए कर्ताओं को एक कैडर दिया जाता है, सीख दी जाती है। तो कमियां कुछ नहीं, बस ये कि हमारे शोषित वंचित समाज के लोग, गरीब पिछड़ा समाज के लोग हैं जिनकी परवरिश या बचपन से नहीं हुई, इनको धीरे धीरे सिखाया गया है। और आपके सामने ये चीज का गवाह है कि हम लोग पूरे यूपी में 2 सीटों पर चुनाव लड़े, एक हम लोग को जीत मिली जहाँ पे मुख्य पार्टियां थी, दूसरी सीट हमारी डुमरियागंज थी जहाँ पे हम लोग को 80,000 प्लस वोट मिला, जो कि 10 दिन पहले हम लोग चुनाव उतरे। तो हमारे कार्यकर्ता और युवा साथी जो है बहुत तेजी से चीजें सीख रहे हैं और चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो कहते थे कि ये बच्चों की पार्टी है, ये सिर्फ नौजवानों की पार्टी है, उनके सामने ये इस चीज का गवाह है कि नगीना की जीत और डुमरियागंज में चुनाव में हमारी जो है तीसरे नंबर भागीदारी सुनिश्चित करती है कि यूपी में आने वाले भविष्य में आजाद समाज पार्टी एक नया विकल्प के रूप में उभरेगी। बिल्कुल, जैसा कि ये तो जाहिर सी बात है कि आजाद समाज पार्टी नवयुवकों की पार्टी है, बढ़ चढ़ के नवयुवक हिस्सा लेते हैं इसमें, इसका प्रभाव क्या आने वाली राजनीति पर पड़ेगा? आने वाली राजनीति पर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि देश का युवा रीढ़ हड्डी है। पूरे भारत देश में कम से कम 50% से आबादी युवाओं की है, तो ये युवा सूझबूझ वाला, पढ़ा लिखा, अपने भविष्य को जानने वाला है, ये युवा समझदार है, विचारशील है। इनको ये पता चल गया है कि इनका अगर कोई जो है आने वाले समय में आगे बढ़ा सकती, कोई पार्टी बढ़ा सकती, कोई नेता आगे बढ़ा सकता या उनके लिए खड़ा हो सकता है, वो चंद्रशेखर आजाद जी और आजाद समाज पार्टी है। जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी रणनीतियां क्या होंगी, आपकी पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। आगामी 2027 चुनाव में हम लोगों ने एक राजनीतिक दल का अपना गठन किया है, तो इस राजनीतिक दल में हम लोग अपना ये प्रयास रहेगा हमारे संगठन के माध्यम से कि अपने हम ज्यादा से ज्यादा विधायक को जिताएं और जो शासन और सत्ता हमसे उससे दूर चला गया था उसके पास हम जाएं और अपने अधिकारों को संरक्षित करें और अपने कैडर को मजबूत करें। जिस तरह से आप ये सम्मेलन देख रहे हैं, इसी तरीके से इससे भारी भारी संख्या में भीड़ और लोग जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो मुझे आशा और उम्मीद है कि मुश्किल से 2 साल में उन सभी पार्टियों को हम लोग पिछाड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और अपना मुख्यमंत्री हमारे ही जो है पार्टी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के बस्ती के जिला मौजूद है, नाते रैली थी। हम जानते हैं कि विधवा मुस्लिम भाईचारा का अभियान चल रहा है, इसमें जो सम्मेलन रखा गया है, कितने जिलों के लोग आए हैं और कितने बढ़ चढ़ के युवा इसमें भागीदारी ले रहे हैं, सहयोग है और उसी परपज में आज सदस्यता अभियान और ये सम्मेलन किया जा रहा है। लगभग कितने लोगों का सदस्यता ग्रहण हो गया होगा आज पूरे जनपद में? काफी संख्या में लोग जुड़े हैं और जुड़ गए हैं। ये अभियान पहले से चल रहा है कि? जी जी, बहुत पहले से चल रहा है। ये जब से पार्टी बनी बस्ती जिले में, मैं 2 साल होने वाला है नवंबर में, तब से मैं लगातार हम लोग चला रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या बूथ स्तर पर भी आप लोगों ने जाकर धरातल स्तर पर सबसे नीचे पायदान पे यहाँ से अभियान शुरू कर रहे हैं या सिर्फ ऐसे मीटिंगों में? नहीं नहीं, बूथ स्तर पे अभी परसों 2 दिन पहले हम लोग रुदौली में 5 सेक्टर अध्यक्षों का गठन किया, फिर बूथ अध्यक्षों का गठन किया। 5 सेक्टर अध्यक्ष का मतलब होता है 1 सेक्टर अध्यक्ष 20 बूथ का होता है। अच्छा। तो 100 बूथ तो हमारा ऐसे तैयार हो गया, तो बूथ लेवल जमीनी लेवल से काम हो रहा है और उसका परिणाम आने वाले समय में। जिस तरीके से वर्तमान पार्टियां अपने मजबूत बना के रखती है, क्या इस तरीके का कुछ आपके पास सिस्टम है अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ पकड़ के रखती है? बिल्कुल, देखिए आज जो स्थिति है राजकुमार जी, ये छुपी नहीं है। बहुजन समाज के ऊपर जो घटनाएं आ रही हैं उससे लगातार मैं आईजे जिला अध्यक्ष, मुझे पता है कि हर दिन जिले से कम 10 ऐसे कॉल आते हैं जो समाज को शोषित और दबाने का काम करते हैं। तो इस बात का तो मुझे पता है कि मेरा समाज भी बहुत तेजी से जुड़ना चाह रहा है। आदमी कहते हैं कि ये नवयुवकों की पार्टी, भविष्य में राजनीति में 90% हमारे नौजवान साथी रहे, तो इसका लाभ तो
बहुत जल्द जब एक युवा नौजवान सांसद बन करके सदन में जा सकता है तो उसका लाभ तो पूरे समाज को मिलेगा सर। आजाद समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ है, बहुत प्रमुख है और कई कार्यकर्ता है आजाद समाज पार्टी के। हम चाहते हैं कि पार्टी के मजबूती के संगठन के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप पार्टी के मजबूती के लिए कौन सा कदम पर्चे और पंपलेट के द्वारा हमने कदम उठाया है कि गांव गांव में 6 दिन 7 दिन हम लोग उस पर्चे को बांटे। सदस्यता अभियान और आप की आवाज आ रही है, सदस्यता अभियान के साथ पर्चा को गांव गांव में घर घर पहुंचाएं। 6 दिन 7 दिन हम लोग जो है उस पर्चे को पहुंचा देंगे और 7वें दिन संडे के दिन उस पर स्थान लिखा रहेगा, उस स्थान पे आकर हम बैठ जाएंगे और वहाँ जो है जितने लोग पार्टी को ग्रहण करना चाहेंगे, सदस्यता लेना चाहेंगे, वो लोग आएंगे और सदस्यता अभियान के साथ उनको जोड़कर पार्टी को मजबूत करने का ये तरीका हमने नया सोचा है। क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य हैं आजाद समाज पार्टी से, आपको आजाद समाज पार्टी के लोगों ने चुना है और जाहिर सी बात है उस क्षेत्र की जनता आपको काफी जो है सपोर्ट भी करती होगी और वहाँ पे आजाद समाज पार्टी का जनाधार भी होगा, तो उन लोगों को साथ में लेते हुए लेकर चलते हुए जिले के और बहुजन समाज के लोगों को लेकर आप चल रहे हैं तो ये कैसे संभव है? समय हो पा रहा है ये कहीं मतलब है कि जब आपको लगता है यानी कि जो क्षेत्र के लोग हैं जब उनको लगता है जिस काम के लिए हमने उसको चुना था उस काम पे खरा उतरा जी। और रोड की समस्या रोड लगभग कद्दू लगाई थी समस्या के लगभग लगभग साउंड खत्म कर दिया गया, सारे रोड बेहतरीन है और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी को बड़ी समस्या लग रही कहीं रोड के खड़े होकर जहां करें कि जिला पंचायत सदस्य क्या रोड खराब है आप कैसे जिला पंचायत ये चीज नहीं है। अभी ये भी हुआ है अभी 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 सुना है कि आप भावी प्रत्याशी भी हैं विधानसभा के, वो तो देखिए हम लोग राजनीतिक जिला पंचायत सदस्य भाई अच्छी बहुमत के साथ हमने जिला पंचायत सदस्य को जीता है और आगे वो भी प्रत्याशी तक तो मन में है ही है लेकिन ये पार्टी तय करेगी प्रत्याशी आप कहाँ के बनेंगे और किस चीज के बनेंगे। चुनाव लड़ने का प्लान है लेकिन चुनाव लड़ने का प्लान नहीं था कि कहाँ से पार्टी टिकट दे दे। जी जी बिल्कुल चुनाव लड़ने का हम लोगों का प्रोग्राम तो बिल्कुल है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।